यह गोपाल फाड़ चोर सारा चोरी करके ले गया, मेरा पूरा घर लूट कर ले गया, चोर की सत्यानाश हो क्या होगा, हम लोग अब क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। हाँ, रोने की आवाज नदी के किनारे वाले गांव से आ रही है, जाके देखो क्या हुआ है। हाय हाय, बाजार में अनाज बेच कर 100 रुपया लाया था, वो भी चोर चुरा के ले गए, अब मैं सब का कर्ज कैसे चुकाऊंगा। हम लोगों का सब कुछ लूट गया, क्या होगा। इन्हें क्या हुआ है भाई साहब, ये रो क्यों रहे हैं। कल इनके घर चोरी हो गया। ये क्या, कब। लोग आपको तो ज्ञानी कहते हैं, लेकिन आप तो बेवकूफ हैं। क्यों, आपको पता नहीं चोर रात को आता है, पूछ रहे हैं चोर कब आया था। नहीं, ये पूछना चाहता हूँ कि चोर कहाँ से आया। दादाजी, घर का करकट हटा कर। हाय हाय, क्या हो गया जी, खाना खाने के लिए एक थाली तक नहीं रख कर गया चोर। वाह, बहुत मजा आएगा, हम लोग केले के पत्ते में खाना खाएंगे, बहुत मजा आएगा। अच्छा हुआ चोर बर्तन चुरा के ले गया, अच्छा हुआ। चुप मुझो से, खाना खाने के लिए पैसों की जरूरत है, चोर तो सारा पैसे चुरा के ले गया, तो खाना कहाँ से खाएगा। घर का करकट भी टूट गया, उसे कैसे ठीक करेंगे। सब लूट गया। ये लोग चिल्ला चिल्ला के मेरा दिमाग खराब कर दिया है। ठीक है, मैं महाराज से बात करता हूँ, हो सके तो महाराज तुम लोगों के लिए कुछ करे। ये क्या, मेरे राज्य में चोरी, कुछ ना कुछ करना होगा। चोर पकड़ाएगा तो क्या कीजिएगा। सबूत के साथ अगर चोर पकड़ाया तो मौत या फिर काल कोठरी। तो फिर महाराज, सबसे पहले पंडित जी को काल कोठरी में डालिए। क्यों क्यों, हमारे पंडित जी को काल कोठरी में क्यों डाला जाएगा। आपको नहीं पता है, वो तो दक्षिणा चुराते हैं। सेनापति, यहाँ राम रहीम की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है एक चोर की। महाराज को कुछ सोचने दीजिए। वो तो प्रसाद चोरी करके खाते थे, इसलिए तो वो चोर है। आप बेकार की बातें करके समय नष्ट कर रहे हैं, काम की बातें नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप काम चोर है, इसलिए आपको मृत्यु दंड देना चाहिए। सच में आप चुप रहिए, एक जरूरी बात चल रही है, उसके बीच आप बेकार की बातें कर रहे हैं। क्या किया जाए गोपाल, समय आएगा तो खुद पता चल जाएगा महाराज, लेकिन कवि रत्न जी का मदद चाहिए। चोर पकड़ने के लिए मैं जरूर साथ दूंगा गोपाल। बस आज शाम को ही। कल राज खजाने में से 1000 मुद्राएं चुराया हूँ। आज कितना निकालोगे। रोज रात को चोरी करना अच्छा नहीं लगता है, सोच रहा हूँ कि आज रात में सो जाऊं। ऐसा करने का मतलब क्या है गोपाल, कैसा मतलब। पूरे राज्य में तो हंगामा हो गया है कि तुम राजमहल में चोरी कर रहे हो। वो तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये झूठ है, ये किसी को पता ना चले। सुना हो कि गोपाल के घर में ढेर सारा मोहर है, हम लोग चोरी करने जाएंगे। हाँ हाँ, चलो चलो। ओए तू भी आ। ए जी, ताली पे क्या आवाज हो रहा है। लग रहा है
चोर आ गया है। मैं जो सिखाया हूँ वो तुम्हें याद है ना? हाँ। तो चिल्लाओ। ए जी, आप रोज रोज इतने सारे मोहर कहाँ से लाते हैं बताइए ना? राज खजाने से चोरी करता हूँ। हाँ चोरी करते हैं, अगर पकड़ा गए तो बोलिए मेरा क्या होगा? चुप हो जाओ, कोई सुन लेगा, चुप हो जाओ। सुन लेंगे, जिस दिन पकड़ा जाएंगे तो उस दिन क्या होगा बताइए? मैं कभी नहीं पकड़ाऊंगा। क्यों क्यों? मैं राजमहल के सामने से नहीं जाता हूँ। तो? राजमहल के पीछे दरवाजा से मैं जाता हूँ अंदर। लेकिन वो तो बहुत ऊंचा है, आप उस खजाने के घर में कैसे जाते हैं? रस्सी से? उस छप्पे से रस्सी नीचे लटका कर मंत्र वाला रस्सी से नीचे जाता हूँ। मंत्र वाला रस्सी? वो कैसा है रस्सी जी? मैं एक दिव्य मंत्र जानता हूँ, उस मंत्र के द्वारा चांद की रोशनी में एक अदृश्य रस्सी बन जाता है, उसी से मैं अंदर जाता हूँ और बाहर भी निकलता हूँ। मंत्र क्या है जी? किसी को नहीं बताना। ये लीजिए, मैं आपको छू के प्रतिज्ञा कर रही हूँ, मैं किसी से नहीं बोलूँगी। ठीक है तो सुनो, चांद की रोशनी ओम हीं क्लीं कुट खट बन जा तू रस्सी फटाफट। गुरु चलो राजमहल चलते हैं। हाँ पर महल में राज खजाना कहाँ ये तो नहीं पता है? मैं तो जानता हूँ। तो देर किस बात की, जल्दी चल। कितना सारा खजाना। अब मैं मंत्र बोलता हूँ, चांदनी रात में चांद की रोशनी रस्सी बन जा तू फटाफट, मैं नीचे चला जाऊँ झटपट। क्या हुआ क्या हुआ, गिर गया क्या? रुको रुको मैं आ रहा हूँ। ये क्या, चांद की रोशनी रस्सी नहीं बना है? शायद पढ़े लिखे नहीं है ना, इसीलिए मंत्र में गलती हो गया होगा। गुरु अब क्या होगा, हम दोनों तो फंस गए। और क्या होगा, राजा हमें मृत्यु दंड देंगे। सच में गोपाल तुम बुद्धिमान हो, तुम्हें इनाम मिलेगा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? महाराज आप इन दोनों चोरों को मुक्ति दे दीजिए और साथ में इन्हें कुछ काम दे दीजिए, रहने का बंदोबस्त और वस्त्र भी। आप कुछ ज्यादा ही मांग रहे हैं। कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ, देखिएगा समय आने पर ये दोनों चोर ही राज्य के लिए काम करेंगे। ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। जय गोपाल की जय हो, जय महाराज की जय हो, जय गोपाल की जय हो, जय महाराज की जय हो।